हाय एवरीवन, होप एवरीबॉडी इज डूइंग गुड। स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। आज है 8th ऑफ सितंबर, फ्राइडे का दिन। वापस से अब एक सवाल है जो सभी के मन में गूंज रहा है कि क्या अब मार्केट एक और बार अपना ऑल टाइम हाई टेस्ट कर सकती है। ऑल टाइम हाई के बहुत ज्यादा नजदीक है मार्केट। ये जो आप रेड लाइन देख रहे हैं, ये ऑल टाइम हाई है। जस्ट 162 पॉइंट्स का सिर्फ गैप बाकी है एंड मार्केट जिस तरीके से कंटिन्यूअसली ऊपर की ऊपर जाए जा रही है, ऐसा हमें लग रहा है कि अगले हफ्ते ही बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ऑल टाइम हाई मार्केट अपना वापस ब्रेक कर सकती है। एक ड्रीम लेवल था जो सुनने में भी बहुत अजीब लगता है, 20,000 का लेवल। हो सकता है कि निफ्टी अपना ब्रेक कर दे एंड वहां से फिर उसके ऊपर जाए। तो ये चीज तो समय ही बताएगा कि क्या मार्केट 20,000 का लेवल टेस्ट करती है। बट जिस तरीके से मार्केट रोज चल रही है, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी लग रही है कि मार्केट हो सकता है कि आने वाले वीक में या उसे अगले वीक में ही अपना 20,000 का लेवल टेस्ट कर दे। आज अगर आप निफ्टी देखेंगे, मॉर्निंग में एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल बनी थी। उसके बाद मार्केट पहले कंटिन्यूअसली ऊपर जाती है, अपने डेली पिवट पर रेसिस्टेंस लेके कंटिन्यूअसली फॉल करती है एंड जो प्रीवियस डे हाई है उस पर सपोर्ट लेके फिर वहां से कंटिन्यूअसली ऊपर जाती है। क्या यहाँ पे मुझे मेरे ट्रेडिंग सेटअप के हिसाब से कोई भी पैटर्न मिला? आज मुझे कोई भी ऐसा पैटर्न नहीं मिला जिसमें मैं ट्रेड कर सकता था। मेरे सेटअप के हिसाब से अगर मॉर्निंग में ही प्रीवियस डे हाई पे मार्केट बहुत अच्छे से सपोर्ट लेती तो वहां पे ट्रेड ली जा सकती थी। बट वही है कि स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता, बिकॉज अगर मालूम है दूसरी कैंडल के एंड पे भी ट्रेड लेता देन स्टॉप लॉस मुझे प्रीवियस डे जो हाई है उसके नीचे रखना पड़ता, जो अराउंड 34-35 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, जो बहुत ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस हो जाता है। एंड ये मैंने बताया हुआ है कि जब भी मैं पुट ऑप्शन सेल कर रहा हूँ, जब भी मेरा व्यू है कि मार्केट ऊपर जाने वाली है, तब मुझे कोई ऐसी कैंडल चाहिए जो बहुत छोटी हो, बिकॉज स्लाइटली भी अगर मार्केट नीचे की तरफ मूव करती है देन उसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। ये मैं अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ एंड इसीलिए हमेशा हम देखते हैं कि जब भी मुझे लॉन्ग की ट्रेड लेनी है, जहां पे मैं पुट ऑप्शन सेल करने वाला हूँ, हम एक छोटी कैंडल की ही तलाश करते हैं। यहाँ पे इसके बाद अगर आप देखेंगे, वेल 10:45 की जो कैंडल है वहां पे भी एक व्यू था। वहां पे भी एक अपॉर्चुनिटी थी ट्रेड करने की, लेकिन बट वहां पे भी बहुत ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस हो जाता। इस लेवल पे भी, ये जो 10:45 वाली कैंडल है, उस लेवल के एंड पे भी अगर मैं ट्रेड लेता एंड मैं स्टॉप लॉस प्रीवियस डे हाई के नीचे रखता, मुझे अराउंड 32-33 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखना पड़ता, जो एक्चुअली बहुत ज्यादा है। बिकॉज अगर मैं जब भी पुट ऑप्शन सेल कर रहा हूँ एंड जब भी मेरा व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगी, मैं कोशिश करता हूँ कि 20 से 22 पॉइंट्स तक की कैंडल मिले। उससे ज्यादा बड़ी अगर मुझे कैंडल मिलती है देन वहां पे मैं ट्रेड अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद आप देखेंगे तो जो प्रीवियस हाई है वो एक बार भी टेस्ट नहीं हुआ एंड उसके बाद मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर चली गई, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं मिला। अब जो करंटली मैं अपने ट्रेडिंग पैटर्न ट्रेड करता हूँ उसके साथ साथ मैं रोज मार्केट में बैक टेस्ट करता हूँ, ताकि मुझे और नए नए पैटर्न के बारे में मालूम पड़े जिसमें हम ट्रेड कर सकते हैं, जिसमें हमारी विनिंग जो परसेंटेज है वो ज्यादा बेटर हो सकती है एंड हम उसमें अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो उसी में जो मैं बैक टेस्ट कर रहा हूँ, तो उसमें मुझे एक दो पैटर्न और ऐसे मिले हैं जिसमें हम ट्रेड कर सकते हैं, जिसमें विन परसेंटेज अच्छा है, तो उसको भी मैं थोड़ा बैक टेस्ट करके देखूंगा। एंड ये वीकेंड का टाइम है, सो जब भी ऐसा वीकेंड आता है, आपको वीकेंड अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सैटरडे एंड संडे आपको पूरा का पूरा बैक टेस्ट करना है। जितने भी आपके पास ट्रेडिंग चार्ट्स हैं, आपको सारे के सारे बैक टेस्ट करने हैं एंड पूरा यूटिलाइज करना है सैटरडे संडे, ताकि आप मंडे आके वापस से कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर पाए। अभी जो मैंने एक या दो पैटर्न और फाइंड आउट किए हैं जिसमें अभी मैं काम कर रहा हूँ, तो वेल मैंने रफली थोड़ा सा बैक टेस्ट करके देख लिया जो भी मेरे पर ट्रेडिंग चार्ट्स हैं, लेकिन उसके बावजूद अब मैं सैटरडे संडे बैठ के पूरा इन एंड आउट उन पैटर्न को अच्छे से बैक टेस्ट करके देखूंगा क्या क्या उसमें थोड़ी डिफिकल्टीज हैं एंड क्यों वो पैटर्न वर्क करता है, पूरा उसमें लॉजिक देखूंगा। एंड अगर मुझे लगता है पूरा बैक टेस्ट करके कि हाँ भाई ये बहुत अच्छा पैटर्न है जिसमें विनिंग स्ट्रीक अच्छी है, इसमें विनिंग परसेंटेज अच्छी मिल सकती है, एंड तब मैं उसको कुछ छोटे लॉट के साथ फॉरवर्ड टेस्ट करने की कोशिश करूंगा। एंड अगर उसमें भी वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है देन फिर मैं उसको जो मेरे एक्चुअल लॉट्स है उसके साथ भी ट्रेड कर सकता हूँ। तो ऐसे ही हमें एक्सपेरिमेंट करते रहना पड़ेगा एंड उसके हमें साथ देखना पड़ेगा कि कौन कौन से ऐसे नए नए पैटर्न है जो मार्केट फॉर्म करती है जिसमें हम ट्रेड कर सकते हैं। वेल मार्केट का कुछ नेचर ही ऐसा होता है कि हमें यहाँ पे इवॉल्व करते रहना पड़ता है एंड हमें यहाँ पे इसमें रोज स्टडी करनी पड़ती है। अगर आप स्टैग्नेंट रहेंगे एंड अगर आप अपने ऊपर काम नहीं करेंगे देन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा वो। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी आप पैटर्न ट्रेड करते हैं, भले वो सीपीआर के साथ हो या और कोई भी ऐसा पैटर्न हो, उसको आप सैटरडे संडे को यूटिलाइज करिए, वीकेंड को यूटिलाइज करिए एंड पूरा का पूरा बैक टेस्ट करिए। अपनी प्रीवियस मिस्टेक्स को देखिए, आपने क्या क्या गलती की थी एंड कैसे आप उन गलतियों को वापस ना दोहराएं, ताकि अगले नए वीक से आप वापस से बहुत अच्छे से ट्रेड कर पाए एंड वो जो गलती आपने की थी वो आप रिपीट ना कर पाए। सो दैट्स इट अबाउट द वीडियो।
उसके साथ साथ मेरा कोर्स ऑलरेडी लाइव है 10 इंटरनेट ट्रेडिंग पैटर्न्स का। सो जो भी एंड्रॉइड यूजर्स हैं वो हर्षित भारद्वाज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, एंड जो भी आईओएस यूजर्स हैं वो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें एक ओआरजी कोड आता है DMVWWC, उसको डाल के आप मेरी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं एंड उसमें मेरा कोर्स का कंटेंट देख सकते हैं। अगर आपको वो कोर्स वर्थ लगता है देन डेफिनेटली उसको आप बाय कर सकते हैं। एक बात की मैं आपको गारंटी दूंगा कि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एंड बहुत ज्यादा मजा आएगा उस कोर्स में। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो टुडे एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।